बेड़ो प्रखंड के सभागार में मंगलवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बेड़ो के पूर्व बीडीओ डॉक्टर प्रवीण कुमार को पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों, समाज सेवियों ने माल्यार्पण, प्रशस्ति पत्र व शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। समारोह में समाज सेवियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार को नम आंखों से विदाई दी गई, जबकि अंचल अधिकारी सुमंत तिर्की का नए बीडीओ के रूप में स्वागत किया गया। वहीं महिला मुखियाओं ने स्वागत गान प्रस्तुत किया। पूर्व बीडीओ डॉक्टर प्रवीण कुमार का स्थानांतरण नामकुम हो गया है। वर्तमान सीओ सुमंत तिर्की को बीडीओ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वक्ताओं ने पूर्व बीडीओ डॉक्टर प्रवीण कुमार के कार्यकाल की प्रशंसा व सराहना किया। समारोह में मुख्य अतिथि सह पूर्व बीडीओ डॉक्टर प्रवीण कुमार ने कहा कि सहयोग व समन्वय स्थापित कर विकास की मंजिल को पाया जा सकता है। वहीं सीओ सह बीडीओ सुमंत तिर्की ने कहा कि सरकार की विकासशील योजनाओं को धरातल पर साकार करना हमारा संकल्प, लक्ष्य व कर्तव्य है। समारोह को संचालन कनीय अभियंता मोहम्मद सद्दाम ने किया। सोना न्यूज बेड़ो से राज रोहित की रिपोर्ट। उनके कार्यों ने ऐसे अद्भुत है जिसके कारण जो है ये हॉल जो है सभी जनप्रतिनिधियों सभी कर्मियों से भरा हुआ है। यह यही जागरूक करता है इनके कार्यशैली, इनके स्वभाव से सभी प्रभावित हुए हैं। अच्छी तरह से चलाने में जो है या अपनी बातों को आप लोगों तक पहुंचाने में शायद कामयाब हो पाते हैं। अच्छे से लग रहा है, सदा खुश रहें, हेल्दी रहें, भगवान से ही दुआ करते हैं कि पूरे परिवार के साथ तीन महीना और तीन दिन का जो यह कार्यक्रम है बहुत ही यादगार कार्यक्रम रहा है और इसे यादगार आप लोगों ने बनाया है। मैं शुरू से ही कहता हूँ कि टीम पेड़ो तो वीडियो जो है सिर्फ निर्देशक का काम करता है, बाकी आप सभी लोगों ने काम किया, चाहे हमारे ऑपरेटर हैं, चाहे हमारे रोजगार सेवक हैं, पंचायत सेवक हैं, जन सेवक हैं और हमारे मुखिया कर्म लोग हैं, साथ ही तमाम जनप्रतिनिधि, माननीय सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि कर्म करते हैं। और जब हम लोग की विदाई होती है तब पता चलता है कि हम लोगों ने काम किए हैं और उसका साथ दिलों में पड़ा है। और आज हमारे सभी कर्मचारी और तमाम जनप्रतिनिधि, हमारे मीडिया के बंधुगण, आप सभी लोगों ने के प्रयास से हम लोगों ने यह अचीव जो भी अचीव किया है पेड़ों के लिए दो साल की अवधि में, तो आप सभी का मैं आज बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आपने मुझे और बेड़ो को इतना आगे बढ़ाया, तो सभी लोगों का जो छोटा छोटा प्रयास था, बड़ा प्रयास था, जिसके चलते ही आज बेड़ो का नाम जिले में अग्रणी प्रखंडों में और गुणवत्तापूर्ण जो कार्य है उसके लिए प्रसिद्ध है। जो भी काम होते हैं यहाँ पर, चाहे हम लोग के आवास का काम हो, चाहे मनरेगा काम हो, या अभी स्वच्छ भारत मिशन में जो काम चल रहा है, तो वो काम चल रहा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है, लेकिन उसमें गुणवत्ता है। अगर हम लोगों ने आवास बनाया है तो एक वहाँ देखने के लिए बाहर से कितनी ही टीम आई, मनरेगा में हम लोगों ने जो काम की उसको देखने के लिए कितनी, चाहे केंद्र सरकार के स्तर से, राज्य सरकार के स्तर से अनेक टीमों का मुआयना किया गया जो हम लोगों की गुणवत्ता और अच्छे कामों को दर्शाता है।